करती है। ये आपका क्वांटमेंट का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आप क्वांटमेंट में जाएंगे तो वहां पे ये क्रिएट स्ट्रेटेजी करके आ जाएगा, ठीक है। यस, ओके, दिस इज ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है, ये जो है वो क्वांटमेंट का क्रिएट स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो ये आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा। यहाँ पे हमें सर्च में बैंक निफ्टी बता देना है, यहाँ पे तो बैंक निफ्टी जैसे लिखेंगे या वो सिलेक्ट कर लीजिए। कैंडल स्टिक चार्ट टाइप में कैंडल रखिए आप, करंट कैंडल जो है वो 5 मिनट्स की रखिए आप, ठीक है। ADX जो है आपका वो 14, उसका पैरामीटर 14 का बाई डिफॉल्ट रहता है, वही सिलेक्ट कर लीजिए। और इंटरवल जो है वो 15 मिनट का रखिए, ठीक है। और ADX रहेगा फ्यूचर प्राइस पे, ओके। हमारे जो एंट्री के रूल है वो ये है कि ADX इज बिलो 40 के ऊपर नहीं होना चाहिए ADX। दूसरा रूल हमारा ये है, टाइम ऑफ द डे इज अबो 9:40 के पहले हम ट्रेड नहीं डाल सकते हैं। एंड डे ऑफ द वीक कंटेंस ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, यानी कि मंडे नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी दिन हो तो ये ट्रेड ले सकते हैं हम, राइट। एग्जिट की हमारी जो लॉजिक है वो ये है कि ADX क्रॉस बिलो 20 एंड द टाइम इज टाइम ऑफ द डे इज 15:10, यानी 3:10 हुई हो। हमारा जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं वो रहेगा वीकली, यहाँ पे हमने वीकली कर लिया है। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं रख रहे हैं, ना ही मूव टू कॉस्ट रख रहे हैं ऑप्शन, हम सिर्फ ये रख रहे हैं कि री एंट्री को सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन में हमने कॉल सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ATM हमने सिलेक्ट किया हुआ है, एक ही लॉट सिलेक्ट किया हुआ है, सेल करना है और स्टॉप लॉस हमने रख दिया है 20 का। री एंट्री जो है वो सिर्फ 3 बार हो सकती है, 3 से ज्यादा हम री एंट्री नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे और भी कई सारे लेग्स ऐड भी कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऐड कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट। आप में से कई जो अभी अटेंड कर रहे हैं, कई लोग वो ऐसे है कि जो शायद एल्गो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि कैसे होती है स्ट्रेटेजी, तो इसलिए हमने बहुत आसान सी एक स्ट्रेटेजी रखी है, सिंगल लेग की स्ट्रेटेजी को बता रहे हैं, ओके। स्ट्रेटेजी स्टॉप भी है यहाँ पे, जो स्टॉप लॉस और प्रॉफिट वगैरह है वो हम नहीं रख रहे, क्योंकि हमारी इंट्राडे है तो हमें वो पता है कि हम लिमिट में हैंडल कर सकते हैं। दूसरी जो बात है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे हमने बता दिया कि ये इंट्राडे रहेगा और हमारा ट्रेडिंग ड्यूरेशन जो है वो 9:15 से लेके 3:25 तक है, यानी 3:25 पे जो भी ट्रेड, अगर मान लीजिए हमारा एग्जिट लॉजिक पे अगर एग्जिट नहीं लिया हुआ है तो वो ट्रेड्स यहाँ पे 3:25 पे एग्जिट ऑटोमेटिक ले लेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू अ बैक टेस्ट। पीरियड जो हम तैयार कर रहे हैं वो है हमारा बैक टेस्ट के लिए जो पीरियड है वो 1 जनवरी 2021 टू 23rd, यानी 2 दिन पहले तक, 23rd मार्च 2023 तक का। ड्यूरिंग दिस पीरियड बैंक निफ्टी हैज नॉट बीन इन एनी मेजर वन साइडेड ट्रेंडिंग जोन, यानी अगर आप देखोगे तो ये पीरियड में बैंक निफ्टी ने दोनों तरफ का दे दिया, एक ऐसा नहीं है कि एक तरफा चला हुआ है। मान लीजिए आप बोलो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉल सेल कर रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं तो कॉल सेल कभी कर सकते हैं जब भी मार्केट, अगर मान लीजिए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन जाने वाला है, राइट, तो ही हम कॉल सेल कर सकते हैं, राइट, तो उसका मतलब बनता है, राइट। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर भी गया हुआ है, नीचे भी गया हुआ है, और कोई ऐसा, यानी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आ गया था तो ये स्ट्रेटेजी वो पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड के कारण काम कर रही है, वरना नहीं करे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इट हैज ऑलमोस्ट रिटर्न टू द सेम लेवल वेयर इट वॉज 2 ईयर्स बैक। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, यही समय का है, 1 जनवरी 2021 से लेके 23rd मार्च 2023 तक का है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो करीबन वही लेवल पे वापस आ गया है मार्केट, 39,000 का,
ठीक है। तो ये मार्केट में अगर हम देखें तो ये देखिए अप ट्रेंड भी आया हुआ है, डाउन ट्रेंड भी आया हुआ है। यहाँ पे 42,000 से 32,000 हुआ था, फिर वापस 32,000 से 44,000 हुआ, 4,400 वापस अभी करीबन 38,000 तक आ रहा है, 39,000 तक आ रहा है, ठीक है। और ये अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये मार्च से लेके ये मार्च तक एक सेम लेवल पे मार्केट आ रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी नहीं है कि ये कोई बड़ा डाउन ट्रेंड था ये टाइम में इसलिए ये स्ट्रेटेजी काम कर जाएगी, ये देख के हमने ये नहीं कर रहे हैं हम। यानी अप ट्रेंड भी है, डाउन ट्रेंड भी है, इनफैक्ट अप ट्रेंड ज्यादा है इस ड्यूरेशन में। तो अप ट्रेंड में कॉल ऑप्शन सेल करना और वो भी सिंगल लेग एडवाइजेबल नहीं रहता है ऐसे तो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो बताना चाहते हैं वो ये रहता है कि कंसिस्टेंट ट्रेडिंग जो रहता है या कुछ चीजें आप अपनी फेवर में कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखते हैं हमारा एल्गो ने बैकटेस्ट किया हुआ एल्गो ने परफॉर्म कैसे किया है। ये है इक्विटी चार्ट। ऐसे देखने जाए तो हमारा जो प्रॉफिट लॉस हर रोज जो हो रहा है उसका टोटल है ये, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या प्रॉफिट आ रहा था, क्या लॉस आ रहा था, उसका हम हर रोज का प्लस माइनस करते रहते हैं तो ये इक्विटी चार्ट बनता है। समय ड्यूरेशन आप देख सकते हैं January 1st से लेके 23rd March तक का ये बैकटेस्टेड रिजल्ट है, ठीक है। स्लिपेज 0.2 का है परसेंटेज, ठीक है। और आप देखिए लीनियर अपवर्ड मूव है ये, जो हमारा इक्विटी चार्ट है वो एक लीनियर अपवर्ड मूव है। यानी क्या हो गया कि ये आपका जो इक्विटी चार्ट हो, कोई भी अगर आप एल्गो बना रहे हैं या फिर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमेशा ये देखिए कि आपका जो हर रोज का प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट बनाते हो जिसे हम इक्विटी चार्ट कहते हैं वो हमेशा लीनियर होना चाहिए। लीनियर यानी 45 डिग्री से ऐसे बढ़ते हुए होना चाहिए। अगर वो ऐसे अप एंड डाउन इस तरह से अगर कर रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड चार्ट टू ट्रेड ऑन, ओके। हमें ये चाहिए कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंटली। ऐसा ओवरनाइट एक दिन में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे दिया, दूसरे दिन बहुत बड़ा लॉस दे दे, ऐसी जो स्ट्रेटेजीज है वो स्ट्रेटेजीज लंबे समय के लिए एडवाइजेबल नहीं रहती है। लंबे समय के लिए अगर ट्रेड करना है तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी रहती है जो हमें कंसिस्टेंटली रिटर्न देता रहे, ओके। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट देखते हैं तो 318,000 का प्रॉफिट बता रहा है, दिस इज द नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और हमारा ड्रॉडाउन अगर देखते हैं तो 20,501 रुपये का ड्रॉडाउन हुआ है, ठीक है। विनिंग प्रोबेबिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की वो 58 है, 58.22, ओके। और एवरेज प्रॉफिट टू एवरेज लॉस जो अगर देखने जाए तो एवरेज लॉस यानी हमारे पहले तो विनिंग प्रोबेबिलिटी हायर है, दूसरी बात हमारा ये है कि एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 2,819 रुपया जबकि एवरेज लॉस है 2,139 रुपया। यानी हमारा एवरेज लॉस से एवरेज प्रॉफिट काफ़ी हाई है और हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई है, ठीक है। विन लॉस रेशियो है वो 248 to 178 है। रिस्क पर ट्रेड है वो है 1.33%। मैक्सिमम प्रॉफिट ये जो है वो यानी एक दिन का रहता है 9,700 और मैक्सिमम लॉस 10,503 एक दिन का है, ये एक ट्रेड का नहीं है, ओके। यस दिस इज वन लॉट एटीएम कॉल ऑप्शन सेल, राइट। नितिन जी आप पूछ रहे थे, यू कैन सी अवर माय स्क्रीन, स्क्रीन देख सक रहे हैं, देख सक रहे हैं आप लोग, क्योंकि किसी ने बताया कि वी कांट सी योर स्क्रीन। इट्स विजिबल या ओके। आई थिंक एवरीबॉडी इज एबल टू सी द स्क्रीन, आई डोंट नो व्हाई समबडी हैज रिटन दैट वी कांट सी द स्क्रीन। यस विजिबल, काफी सारे लोगों ने बताया कि भाई विजिबल है, ओके। गणेश जी आप जो बोल रहे हैं कि ऑप्टिमाइज द इनपुट पैरामीटर्स, अगर आप यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स अगर देखेंगे तो हमने उसे ऑप्टिमाइज नहीं किया है,
ADX का 14 का पैरामीटर जो है वो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर रहता है, आप कहीं भी किसी भी चार्ट में देख लीजिए, वो 14 का ही पैरामीटर हमने रखा हुआ है इसमें. सो वी आर नॉट ऑप्टिमाइजिंग द इनपुट पैरामीटर जो हमारा है वो गणेश जी सेम रखा हुआ है. ठीक है, दिमक जी आप बोल रहे हैं कि आप स्क्रीन यानी हमारे प्रेजेंटेशन नहीं देख पा रहे हो, आप हमारा वीडियो देख सकते हो लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं देख सकते हो. कैन यू प्लीज रिपीट द स्ट्रेटजी? श्योर आई विल रिपीट. कमल जी एक मिनट बिफोर दैट, आई डोंट नो साक्षी कैन यू जस्ट लुक, समबडी इज कंप्लेनिंग दैट आई कैन सी यू बट कांट सी योर स्क्रीन. आई थिंक आपको आपने शायद मे बी एक विंडो पे क्लिक कर दिया है या ऐसा कुछ हो. ओके विजिबल एक्सपेक्टेड. ओके री लॉग इन कर लीजिए, शायद उससे आपको ये दिख सके. अच्छा मैं पहले तो स्ट्रेटजी का रूल बता देता हूँ, कई लोगों ने बताया हुआ कि स्ट्रेटजी का रूल बताइए, तो मैं वो बता देता हूँ आपको और उसके बाद में टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन लग रहा है वो भी क्लियर करता हूँ आपको. कैन वी यूज बॉलिंगर? बॉलिंगर की स्ट्रेटजी अलग रहती है, हम यहाँ पे बॉलिंगर यूज नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सी एक स्ट्रेटजी, क्योंकि बॉलिंगर पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रेडिंग में अलग तरीके से यूज होता है. ठीक है, मार्केट की कंडीशन के बेस पे बॉलिंगर को यूज करते हैं. देखिए हमारी स्ट्रेटजी का रूल जो है वो बहुत आसान सा है, ADX 14 जो डिफॉल्ट पैरामीटर है उसी को हम ले रहे हैं, सिर्फ ADX को हम 15 मिनट में देख रहे हैं. हमारी कैंडल्स बन रही है 5 मिनट में लेकिन ADX को हम 15 मिनट में देख रहे हैं. 15 मिनट में हम क्यों देख रहे हैं ADX को? क्योंकि देखिए ADX को वॉल्यूम चाहिए, अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो ADX का परफॉर्मेंस जो है वो इतना एक्यूरेसी उसकी कम हो जाएगी. तो थोड़ा वॉल्यूम 15 मिनट में जो आपको मिलेगा वो 5 मिनट में उसका 1/3 मिलेगा आपको, राइट? तो इसलिए हम 15 मिनट में ADX को देख रहे हैं. ओके हम इंट्राडे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें गैप ओपनिंग नहीं चाहिए, कॉल ऑप्शंस पे ही हम सिर्फ ट्रेड कर रहे हैं. अभी पुट पे क्यों नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे अलग है रीजन. पुट करने के लिए आपको देखिए हमेशा मार्केट जब भी फॉल करता होगा तो आप देखोगे कि विक्स बढ़ी हुई है. ठीक है, तो जो ग्रीक जानते हैं वो सब ये समझ जाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, यानी आपकी वॉलेटिलिटी जो है वो फॉलिंग मार्केट में काफी हाई रहेगी. नकुल जी आपका टाइम फ्रेम कन्फ्यूजन शायद अभी क्लियर हो गया रहेगा, सिर्फ ADX हम 15 मिनट में देख रहे हैं, 15 मिनट के कैंडल में देख रहे हैं. हमारी कैंडल्स 5 मिनट की बन रही है और हम ट्रेड्स तो एज एंड वेयर जहां पे जनरेट हो रहा है वहां पे ले रहे हैं.